नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शुक्ला। खबर अमेठी जिले से है। भारतीय किसान यूनियन पार्टी द्वारा कस्बा सुकुल बाजार में दिया गया धरना प्रदर्शन। प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील मुसाफिर खाना विकास खंड बाजार सुकुल कस्बा का है। जितनी भी सड़कें कस्बा से होकर अन्य क्षेत्र को जाती हैं, चारों तरफ गंदगी से भरी नालियां बदबू मार रही हैं। दूसरी तरफ देखा जाए कोविड-19 के चलते समय सरकार द्वारा जो धनराशि मुहैया कराया जाता है, अन्य अधिकारियों को वह पैसा मिली भगत से आपस में बंदर बांट कर लेते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत कुछ कार्य नहीं हो पाता। कस्बे के अंदर सरकार के निर्देशानुसार स्कूल भी खोले गए हैं, उन्हीं रास्तों से सारे स्टूडेंट निकलते हैं और काफी परेशानी झेलते हैं। आने जाने वाले राहगीरों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि भी राज्य मंत्री सुरेश पासी जी द्वारा दूसरे तीसरे दिन इसी रास्ते से आते जाते हैं, पर उनके कानों में जो तक नहीं रेंगती। सभी क्षेत्र वासियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। गड्ढे काफी गहरे एवं उनमें जलभराव अधिक रहता है। भारतीय किसान यूनियन पार्टी के कार्यकर्ता उच्च स्तर के अधिकारियों जैसे सुकुल बाजार ब्लॉक के BDO PWD के उच्च स्तर अधिकारी से कई बार शिकायत कर चुके हैं, पर उन लोगों की कहीं सुनी नहीं गई। इसी कारण से आज उन लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। जिला चीफ ब्यूरो अनिल कुमार दुबे, रिपोर्ट विंदेश कुमार, प्राइम न्यूज 24। ये काहे के विषय में आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? जो इस चौराहे पे सड़कों की दुर्व्यवस्था है, बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, यहाँ नाली का पानी, नाली नहीं सफाई हुआ, ये सारा पानी का पानी, गंदा पानी सड़क पर होकर जाता है, सड़क हमारी टूट जाती है, लोग देखते हैं, पड़ते हैं, गंदा कीचड़ भरा हुआ है। कोरोना काल का समय है, दुर्गंध से दुनिया पी रही है, सारे लोग इस मार्केट आते हैं, खरीद फरोख जानकारी करने आए, छोटे छोटे बच्चे स्कूल खुल गया है वो भी पढ़ने आते हैं। इस व्यवस्था को देखने वाला शासन प्रशासन में कोई भी आदमी जो जिससे संबंधित है वो इसमें पहल नहीं कर रहा है। इसलिए हम लोगों को ज्ञापन देकर दीजिए महोदय को, तारीख दिनांक 22/10 को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि हमारी व्यवस्था को सुना जाए, हम धरना प्रदर्शन करने के लिए बात होंगे। और इसको बताया कि ये जेई PWD सड़क है, इसे हम नहीं कर सकते। जेई साहब का नंबर दिया गया, जेई साहब से बात हुई, उसी दिन उसी वक्त उन्होंने कहा सब मुश्किलें काम लगा दूंगा, जिसके पाइपें पड़ी हैं। परंतु आज तक जेई साहब का नंबर मिलाया जा रहा है, प्रशासन में मिला रहा है, बात करता हूँ। कौन मंत्री ये बताइए, आप ये बताइए इस समस्याओं को लेकर के आपने किन किन अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ तक आपने दिए? अभी तक एप्लीकेशन केवल ब्लॉक स्तरीय बैठा था, इसलिए इसको जिला और वहाँ मुख्यमंत्री तक जाना उचित नहीं था। इधर से ही राज्य मंत्री जी भी आते हैं, DM भी आते हैं, CO भी आते हैं, DM भी सब देते हैं, लेकिन जनता के ही किसी प्रतिनिधि को मतलब यही पहल को करना था। BDO साहब ने क्या कहा? BDO साहब ने ये कहा कि मैं जेई से बात कर लिया हूँ, भैया कल काम लग जाएगा। उसके बाद फिर शनिवार को मैं लगाने वाला था। लगभग कितना समय हो गया एप्लीकेशन दिए हुए BDO साहब? 48 घंटे का मौका दिया था, 96 घंटे हो गए। कोई कार्रवाई, कोई पहल नहीं हुई। कल गड्ढा बहुत बड़ा हो गया था, सप्लाई वालों को लेकर के थोड़ा तेज से बोलिएगा। आप भी देख रहे हैं काला पानी जो ऊपर बह रहा है, नालियाँ तैयार नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और जनता उसमें गिरती है, किसी का हाथ टूट जाता है, किसी का पैर टूट जाता है, कपड़े खराब हो जाते हैं। इस कार्य में संबंध में हम लोगों ने BDO को ज्ञापन दिया, घंटे का समय तिवारी हो गए। क्या नाम है आपका? राम प्रसाद रावत। कौन सा पद है? लगभग आप लोग कब तक ये प्रदर्शन करेंगे अपने यहाँ? जब तक हमारी होंगी जब तक हम लोग यहाँ रहने वाले नहीं है। कितने लोग हैं आपके साथ इस समय? आई है और अभी पिछले दिन में लगन मौका पड़ा, तो हम तहसील से, जिले से, सब कहीं सब आएंगे, लोगों को बुला लिया।
क्या मांगे हैं आप लोगों की? यहाँ जो पानी बह रहा है यहाँ बनाया जाए कि पाइप डाल दिया जाए। कब तक प्रदर्शन चलेगा आप लोगों का? प्रदर्शन के लिए जब तक हमारी मांग नहीं होगी तब तक चलेगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दुर्गा प्रसाद है। सुनो जी, मैं शेष नाथ तिवारी जी, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान हैं। समस्या देख रहे हैं कि नाली नाले में परिवर्तित हो गई है। पानी के जल भराव के कारण बीमारी। सरकार का मिशन है स्वच्छ भारत, और आज इतना गंदा शुक्र बाजार दिखाई दे रहा है कि यहाँ बीमारी का भी भय नहीं लग रहा है। इस रास्ते से कौन अधिकारी नहीं आता जाता, कौन अधिकारी नहीं गुजरा? उप जिलाधिकारी भी गुजरे, सीओ साहब भी गुजरे, बीडीओ साहब भी गुजरे, लेकिन किसी को ये दिखाई नहीं दिया कि ये नाली है, नापदान है, कितना गंदा और कितना कचरा है ये। सीधी सी एक बात है, जब तक ये खुदाई होकर के पाइप नहीं पड़ेगी तब तक भारतीय किसान यूनियन का सिपाही यहाँ से नहीं उठेगा, नहीं उठेगा। यह हम लोगों का बिल्कुल संकल्प है।